पंजाब से आटे की तरसील बंद। खैबर पख्तूनख्वा में मुनाफा खोर बेलगाम हो गए। 20 किलो का थैला 1400 रुपए का हो गया। फाइन आटा 1500 रुपए फी किलो में फरोख्त। मार्केट से सरकारी आटा गायब। आटा डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सप्लाई पर पाबंदी बरकरार रही तो बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। विफाक और सूबा गंदम की स्मगलिंग रोकने पर आमने सामने। विफाक का सूबे से गंदम की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत का कहना है कि ये विफाक का काम है। पंजाब में भी स्टोर्स पर आटा गायब। जहां दस्तयाब वहां 20 किलो का थैला 1300 रुपए का मिलने लगा। मुल्क भर में कमर तोड़ महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। इतवार बाजारों में भी सब्जियां पहुंच से दूर। फैसलाबाद और मुल्तान में लीमू 1200 रुपए से नीचे ना आ सका। लाहौर में लीमू 1000 रुपए फी किलो में दस्तयाब। प्याज की सेंचुरी। मिर्च 160 रुपए फी किलो में बिकने लगी। कराची में लहसुन 400 रुपए, भिंडी 200 रुपए, कद्दू 100 रुपए फी किलो हो गया। तोरी बैंगन भी महंगे। इंतजामिया लापता। दुकानदारों की मनमानी पर शहरी बिलबिला उठे। सब्जियों के रेट जो है ऊपर जा रहे हैं। जैसे प्याज है वो 55 रुपए किलो मिला था ईद से पहले, अब वो 80-84 रुपए किलो मिल रहा है। सब्जियां वगैरह ली हैं बजाय इससे के थोड़ा सा कीमतों में कमी आए, कमी आने के बजाय और रेट बढ़ गए हैं। कंट्रोल करें, मंडी में जाके देखें प्राइस इसके नीचे। मुर्गी का गोश्त खाना भी ख्वाब बनने लगा। मुल्क भर में ब्रॉयलर की ऊंची उड़ान। कराची में गोश्त 650 रुपए फी किलो में फरोख। बोनलेस 900 रुपए फी किलो मिलने लगा। फैसलाबाद में चिकन 481, लाहौर में 458 रुपए फी किलो हो गया। मुल्तान में मुर्गी 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का चिकन की कीमतों में इजाफे का नोटिस। मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। कल इजलास भी तलब। सिंध में पानी की किल्लत के बायस जमीनें बंजर होने लगी। नहरों में रेत उड़ने लगी। मवेशी प्यास से तड़पने लगे। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर। साहली जिला सजावल की तहसील शाहबंदर में जिंदगी मफलूज। दो शहरों फेरोज में भी काश्तकारों का एहतजाज। महकमा अनहार बासर अफराद को पानी फरोख कर रहा है। मुजाहरीन का इल्जाम। इमरान इस्माइल का वफाकी वजीर आबपाशी खुर्शीद शाह से इस्तीफे का मुतालबा। कहा पानी की मसनू किल्लत पैदा करके जमीनें हड़पने की कोशिश हो रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सूबे में पानी की किल्लत का नोटिस। कपास की काश्त में दरपेश मसाइल और पानी की कमी दूर करने के लिए हंगामी इकदाम की हिदायत। इकदाम की रिपोर्ट भी तलब कर ली। हमजा शहबाज कहते हैं काश्तकार हमारे भाई हैं, तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में सूरज आग बरसाने लगा। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री बढ़ने का इम्कान। बलूचिस्तान में पारा मामूल से 8 डिग्री ज्यादा रहेगा। 11 मई से कराची समेत अंदरून सिंध हीट वेव का इम्कान। सर ढांप कर निकलें, ज्यादा पानी पिए। तिब्बी माहिरीन की आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का आज एबटाबाद में पावर शो। इमरान खान खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 700 अहलकार तैनात। 7 वॉक थ्रू गेट कायम किए गए। कायम मुकाम गवर्नर मुश्ताक अली कहते हैं कि आज एबटाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख की मुलाकात। मुबैना साजिश के नतीजे में मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खात्मे पर तश्वीश का इजहार। साजिश की तहकीकात के लिए आला सतह कमीशन के क्याम और खुली समात के मुतालबे की भी तायद की। मुलाकात के मौके पर करारदाद की भी मुतफ़िका मंजूरी दी गई। करारदाद में कहा गया कि इमरान खान ने दुनिया भर में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए गैर मामूली खिदमत सर अंजाम दी। इस्लामोफोबिया के खिलाफ उनकी काविशें काबिले तहसीन हैं। आपने अगर मुल्क को तबाह करना है तो चोरों को मुल्क के ऊपर बैठा दें। आपने एक फैक्ट्री को तबाह करना है तो एक करप्ट आदमी को फैक्ट्री का मैनेजर बना दें, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अब तो महंगाई हमारे दौर से अब तो रिकॉर्ड महंगाई पहुंच गई। बिजली की कीमतें बढ़ा दी है इन्होंने, घी की कीमत बढ़ गई है। अब क्यों नहीं माइक पकड़ के लोगों के पास जा रहे जी की बताए जी क्या हालात है हमारे। थोड़ा सा इतना सा कीमत बढ़ती थी जाके माइक पकड़ के लोगों से कहते थे जी देखे गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया, 20 तारीख के बाद कॉल दूंगा इस्लामाबाद की। ये हुकूमत के लोग चले इनको 2 नारे लगेंगे हर जगह, गद्दार और चोर।
जितनी जल्द हो सके इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हटाना होगा। मई के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहे, इमरान खान का ऐलान। ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में कहा कि अमरीकी धमकी के अगले रोज तहरीकी अदम एतमाद लाई गई, अमरीका फिर से अड्डे मांग रहा है, हमारे सफीर को धमकी, पाकिस्तानियों की तौहीन है। रूस से तेल कम कीमत पर तय करने पर अमरीका नाराज हुआ, साजिश तैयार हुई तो मीर जाफर और मीर सादिक इनसे मिल गए, ये जहां भी जाएंगे गद्दार और चोर के नारे लगेंगे। इमरान खान का खिताब लंदन, बर्मिंगम, ग्लासगो और आयरलैंड में सुना गया, लाहौर और इस्लामाबाद में भी स्क्रीनें लगाई गई। महंगाई इन चार सालों में अरूज पर चली गई, इन्होंने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए, चार सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया, कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। जो नवाज शरीफ के दौर के मंसूबे थे उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगती रही, पेशावर की BRT बस चलती रही और जलती रही और कई साल वो मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया, अरबों रुपए की करप्शन हुई। मुल्की खजाना खाली और हर तरफ कर्जे ही कर्जे हैं, मेहनत से ही भिखारी पन खत्म होगा। वजीर आजम कहते हैं BRT बस चली और खूब करप्शन हुई, इनकी नालायकी की वजह से ही बिजली की लोड शेडिंग होती रही। साबिक वजीर आजम कौम से झूठ बोले, बताएं KP में कितने अस्पताल बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया, हम गलत बयानी नहीं करेंगे, आवाम को हकायक बताएंगे। वजीर आला KP से कहूंगा आटे की कीमत पंजाब के बराबर करें। वजीर आजम का बादशाहों के लिए 2 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान, मेडिकल कॉलेज कायम करने का वादा। इमरान खान ने 4 साल इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया, वफाक में आज जो हुकूमत है वो इमरान खान की नाअहलियों की वजह से है। जहां बिलावल की हुक्मरानी है वहां 13 साल में क्या इंकलाब आया, PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का सवाल। कहा मुल्क में आज जो कुछ हो रहा है कभी सोचा नहीं था, हर इदारा अबतरी का शिकार है, मौजूदा हुकूमत में महंगाई में कमी लाने में नाकाम है। अस्सलाम वालेकुम, GNN न्यूज स्टूडियो से मैं खुश आमदीद, मैं हूं सानिया चौधरी और मैं हूं रामनी सैयद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर। पंजाब से आटे की तरसील बंद हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा में मुनाफा खोर बेलगाम हो गए हैं, 20 किलो का थैला 1400 रुपए का हो गया, फाइन आटा 1500 रुपए प्रति किलो तक फरोख्त, मार्केट से सरकारी आटा गायब हो चुका है। आटा डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सप्लाई पर पाबंदी बरकरार रही तो बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। विफाक और सूबा गंदम की स्मगलिंग रोकने पर आमने सामने आ गए हैं। विफाक का सूबे से गंदम की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा सामने आ रहा है और सूबाई हुकूमत का कहना है कि ये विफाक का काम है। पंजाब में भी स्टोर्स पर आटा गायब हो चुका है, लाहौर में जहाँ दस्तियाब है वहाँ 20 किलो का थैला 1300 रुपए का मिलने लगा, इस्लामाबाद में भी 20 किलो आटे की कीमत 1320 रुपए तक जा पहुंची है। फैसलाबाद की बात करें तो गंदम की कीमत बढ़ने से 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1100 रुपए हो गई है। आपको बताएं कि पंजाब से आटे की तरसील बंद हो गई है और खैबर पख्तूनख्वा में मुनाफा खोर बेलगाम हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल की तफसलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से हम सदाम मांगट हमारे साथ होंगे, लाहौर से इकराम राजा हमें ज्वाइन करेंगे और फैसलाबाद से औरंगजेब मलिक हमारे साथ होंगे। सबसे पहले लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। इकराम राजा, आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं आटे से मुतालिक और इसकी वजूहात क्या हैं? जी, लाहौर में अगर आटे की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त बाजार में आटा जो है वो गायब हो चुका है। हमने बेशतर बाजार में जो मार्केट्स हैं और जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की है कि आटा क्यों गायब है, तो अभी तक इस सवाल का जवाब जो है वो दुकानदारों और शहरियों के पास जो है वो नज़र नहीं आ रहा। ये एक बड़ी इस वक्त खबर है कि जो शहरी हैं वो आटा लेने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं लेकिन दुकानों से उन्हें आटा जो है वो नहीं मिल रहा, और एक अगर कहीं से भी कोई पुराना स्टॉक मिलता भी है तो उसकी कीमत जो है वो 1310 रुपये 20 किलो आटे के थैले की कीमत इस वक्त बताई जा रही है। और जो शहरी हैं चूँकि वो रमज़ान में 1100 रुपये में 20 किलो आटे का थैला ख़रीदते थे, तो इस सूरत हाल में जो शहरी हैं दुकानदारों से उनकी तलख कलामी की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं
और जो दुकानदार हैं वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा कोई कसूर नहीं, पीछे से आटा आएगा, सप्लाई मिलेगी तो तभी आगे फरोख्त कर सकेंगे। इस वक्त हम ग्रीन टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर एक जनरल स्टोर के अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर बाकी हर आइटम मौजूद है, अगर मेरे कैमरामैन फरीद मलिक दिखा सकें, मेरे लेफ्ट साइड पर ये वो जगह है जहाँ पर ये दुकानदार रूटीन में आटे का स्टॉक करते हैं और यहाँ पर आटे का एक बड़ा स्टॉक किया जाता है, लेकिन इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर आटे का स्टॉक खाली पड़ा है और जो शहरी हैं, जो कस्टमर हैं, वो वापस जा रहे हैं। दुकानदार से जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वजह क्या है, सर ये स्टॉक क्यों खाली पड़ा है और इसकी वजह क्या है और रेट्स के बारे में।